हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं एपिलेप्सी, डॉग्स में एपिलेप्सी के केस को लेकर के। और ये जो है, इसको हम नॉर्मली मिर्गी के दौरे बोल देते हैं, सीजर्स बोल देते हैं। तो आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि एपिलेप्सी डॉग में होती क्यों है, डॉग में एपिलेप्सी के क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, हम हमारे डॉग में एपिलेप्सी को कैसे पहचान सकते हैं। ऑनर्स कई बार एपिलेप्सी के दौरे पड़ने पर काफ़ी घबरा जाते हैं कि हमारे डॉग को आखिरकार हुआ क्या है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको कुछ इसके ट्रीटमेंट बताऊंगा कि एपिलेप्सी में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में आगे लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो हम देखें कि एपिलेप्सी है क्या। एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे जिनको हम बोलते हैं, जिसमें जो कि एक नर्वस सिस्टम, नर्व से रिलेटेड डिजीज़ होती है, चाहे वो इंसानों में देखी जाए चाहे वो डॉग्स में देखी जाए। और डॉग्स में आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गई है। एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे जो हैं, उसको समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो के बाद में आपको क्लियर होगा कि एपिलेप्सी के लक्षण क्या होते हैं। चल 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो रहा होगा कि डॉग जो है एकदम से अनकंट्रोल हो जाता है, छटपटाने लगता है। उसके हाथ और उसके जो दोनों आगे वाले पैर और जो दो पीछे वाले पैर होते हैं, वो एकदम से स्टिफ हो जाते हैं और हेड जो है उसका पीछे की तरफ चला जाता है। दांत जो होते हैं, या तो वो मुंह ओपन रहता है या फिर दांत एकदम से क्लोज हो जाते हैं, लॉक जॉ कंडीशन हो जाती है। कई बार डॉग यूरिनेट कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। और कई बार उसको जो है वॉमिटिंग या फिर पॉटी भी आ जाती है, वो लूज मोशंस या फिर पॉटी भी उसमें कर देता है। तो ये कुछ एक साइंस होते हैं एपिलेप्सी के, जो डॉग्स टू डॉग वेरी करते हैं, डॉग टू डॉग वेरी करेंगे। कई बार वो एक मिनट दो मिनट के लिए होते हैं और तुरंत उसके बाद में डॉग जो है ख़त्म होने के बाद में, जो एपिलेप्सी का दौरा है वो ख़त्म होने के बाद में एक्टिव हो जाता है, वापस नॉर्मल आ जाता है। तो जब डॉग वापस नॉर्मल आ जाता है तो ऑनर को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में हुआ क्या है हमारे डॉग को, अचानक से क्या हुआ था और एकदम से ठीक हो गया वापस से। पर धीरे धीरे ये एपिलेप्सी के दौरे जो है फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं, और जब फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें डॉग जो है, ऑनर को भी समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कहीं ना कहीं जो उसमें मिर्गी के दौरे इसमें स्टार्ट हो गए हैं। मिर्गी के दौरे डॉग्स को आते क्यों हैं, इसका मेन मेजर रीज़न तो है देखिए जेनेटिक्स, और उसमें हेरिडिटरी प्रॉब्लम है ये। अगर डॉग के मदर फादर में ये प्रॉब्लम रही होगी तो ये प्रॉब्लम डॉग को आ जाती है। दूसरा, कई बार चोट लगने की वजह से और कोई इंजरी, ब्रेन में इंजरी हो, उस वजह से भी एपिलेप्सी के दौरे डॉग में पड़ सकते हैं। तीसरा, आप देखेंगे कि डॉग को जो है, डॉग एक डिजीज़ में से उभरा है या फिर वो डिजीज़ में चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं कैनाइन डिस्टेंपर। और कैनाइन डिस्टेंपर में डॉग को फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी के दौरे आते हैं। खैर, कैनाइन डिस्टेंपर छोटे पपीज़ में ज़्यादा कॉमन देखा जाता है, तो उस केस में डॉग को बचाना भी मुश्किल होता है। बट अगर डॉग कैनाइन डिस्टेंपर से रिकवर कर गया है, देन उसके बाद में भी उसको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और साथ में ही अगर आप देखेंगे कि अगर उसको आप देखेंगे कि उसके ब्लड में किसी चीज़ की कमी है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी देखें हम, तो उस वजह से, कमजोरी की वजह से भी फिट्स आ सकते हैं। ये कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं एपिलेप्सी के, और एपिलेप्सी क्यों आती है डॉग को ये हमने देखा। उसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो डायग्नोसिस प्रॉपर हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, आपको सीधा सिम्टम से ही देख करके पहचानना होता है, तो सिम्टम से हम पहचान सकते हैं। दूसरा, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आप उसका ब्लड सैंपल करवा सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, या हिस्ट्री ले सकते हैं कि कहीं उसको कैनाइन डिस्टेंपर था, उससे रिकवर हुआ था, या उसके पेरेंट में भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो हम एपिलेप्सी के डायग्नोसिस को प्रॉपर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, अगर एक बार डॉग को एपिलेप्सी के दौरे आने लगे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली
उसको एक मेडिसिन तो देनी पड़ेगी, वो है गार्डिनल। गार्डिनल जो कि एक टाइप की सिडेटिव मेडिसिन होती है, ह्यूमन प्रिपरेशन में भी आती है ये, और उसमें फिनोबार्बिटल होता है, इसकी डोज दी जाती है। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मेडिसिन स्टार्ट करें आपको ये कभी बंद नहीं करनी होती, क्योंकि बंद करने के बाद में एपिलेप्सी के दौरे और भी ज़्यादा तेज और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ देखे जा सकते हैं। तो गार्डिनल मेडिसिन हो गई। उसके बाद में आप देखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड काफ़ी इफेक्टिव रहता है डॉग्स में, तो पोटेशियम ब्रोमाइड भी इसमें आप यूज़ ले सकते हैं। तो ये दो बेसिक मेडिसिन हैं, गार्डिनल और पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जब भी आप दें, आपको ध्यान रखना है कि डॉग के डाइट में सॉल्ट नहीं होना चाहिए, टेबल सॉल्ट NaCl नहीं होना चाहिए, नहीं तो पोटेशियम ब्रोमाइड की जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये दो बेसिक मेडिसिन मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप अगर मेडिसिन देखना चाहें ज़्यादा, जैसे हम होम्योपैथी में जाते हैं तो मैंने आपको ब्यूफुराना औरों के बारे में बता रखा है, तो ये बहुत सारे कुछ एक मेडिसिन हैं, उसकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देता हूँ। जिस वीडियो में मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं एपिलेप्सी की, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए एपिलेप्सी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, कमेंट के थ्रू मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। इसी टाइप से आप अच्छी डॉग्स रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।